यहाँ पे थोड़ा महंगा है काफी। पेट्रोल कह तो रहे हैं कि दिल्ली से 2-3 रुपए महंगा है, सस्ता है सॉरी। और ये पता नहीं क्या चीज है, याद नहीं आ रहा, पहले याद थी मेरे को। आप वो मत समझना जो हेलो कैसे हो सारे, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से जो मेरी वीडियोस जो है वो आ नहीं पा रही। तो पता ही घर की प्रॉब्लम और 100 काम होते हैं, तो वो चीज़ें निपटा के अब जाके टाइम मिला था। और हाँ थोड़ा सा और माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो को कभी थोड़ा और लेट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा। और आज हम जाने वाले ना कुछ ऐसी जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मैं भी काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ उधर अभी, ठीक है। बाकी रेडी तो मैं हो गया था सुबह उठ के, ठीक है। और अभी टाइम जो हो रहा है, टाइम हो रहा है 5:24 दिख रहा होगा आपको शायद कि नहीं, एक मिनट, 5:25 हो गए दिख रहा होगा टाइम आपको शायद, 5:25। तो आज कुछ जाने वाले हैं चीज़ें एक्सप्लोर करने, देखेंगे। मैं भी काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ, जब छोटा था तब वहाँ गया था, मैं बताऊँगा नहीं आपको, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो आपको डिटेलिंग वाली देंगे आज कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं वो सब, ठीक है। तो रेडी में हो चुका था, अभी ब्रदर के साथ जा रहा हूँ, तो जब तक वो रेडी होते हैं फिर उसके बाद मैं आपसे मिलूँगा, ठीक है। और टाइम तो मैंने आपको बता दिया 5:25। तो सबसे पहले नोन अनोन सरन सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम राम राम भाई लोग, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ग्रैंड वेलकम सभी फैमिली मेम्बर्स का। आशा करता हूँ सारे मेरी वीडियोस देख ही रहे होंगे, जो नई भी देख रहे होंगे उसको तो बेस्ट ऑफ लग गया। बाकी मेरे फैमिली मेम्बर्स भी पूछते रहते हैं कि भाई तेरी वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही, व्लॉग नहीं आ रहा, व्लॉग नहीं आ रहा। उनका क्या है कि घर में आपको पता है लेडीज से खाली बैठी रहती हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए देखने के लिए। तो वो मेरे से रोज़ फ़ोन करके पूछते, तेरा व्लॉग नहीं आ रहा, क्या चक्कर है व्लॉग नहीं आ रहा। सिस्टर ब्रदर सारे पूछते हैं कब डालेगा, कब डालेगा, जल्दी डाल, जल्दी डाल। तो उसी लिए फिर बनाना ही पड़ा मुझे, टाइम निकालना ही पड़ा। चलो फिर मिलते हैं, तैयार हो गए हैं, अब पूरा कुछ ब्रेकफास्ट हो जाए और उसके बाद निकलते हैं, फिर मैं आपको रास्ता आगे के सफ़र में मिलते हैं, ठीक है। चलो जी, चलो जी, बाय बाय। बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। मतलब वो इतना, मतलब वो होता है ना जैसे एल्युमिनियम होता है ना, एल्युमिनियम हो चुके हैं हम अपना गुड़गांव रोड पे। अगर बात कर रहा बैठे हैं बाकी फैमिली मेंबर सारे, गाड़ी एकदम खाली है, खाने पीने का सामान पड़ा है कुछ। ये अपने हैं बर्गर, आते हैं हम तो बर्गर ही खाते भाई साहब। ये डीएलआर भाई ऐसा है कुछ नज़ारा, आप जो है नज़ारे के मजे लेते रहोगे और बिल्कुल आपको मजा आता ही रहेगा। कतई खैर कुछ नज़ारा, ये जो है ये आतंकवादी गतिविधि है, तो ये पूरा क्लियर हो जाए तो मैं आपसे बताऊंगा कि क्या मुद्दा था, क्या चीज है, क्या चीज़। आप जीरो हमें लाल हल्की सी ब्लैक ही चढ़ा देते, हल्की हल्की ब्लैक उस पर भी चला रहा है भाई। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अब रुके हैं हम गैस स्टेशन पे, थोड़ा गैस डलवा लें। इस तरीके का है कुछ, यहाँ गैस लाई जा रही है गाड़ी में, है पेट्रोल पंप, समझ नहीं आया ये गैस पंप है कैसा। इधर से एंट्री हुई है यूं सीधा और यहाँ से यूं निकले हैं। यहाँ पे क्या है ना कि ना दिल्ली से वहाँ पे 49 रुपीज़ है, 49 रुपये गैस है, यहाँ पे 58.20 58.20 यहाँ पे 58 रुपये की है गैस। यहाँ पे थोड़ा महंगा है काफ़ी, पेट्रोल कह तो रहे हैं कि दिल्ली से 2-3 रुपये महंगा है, सस्ता है सॉरी। तो अभी क्या हुआ तो मैं आपको बताता हूँ, अभी अभी ना हमारी गाड़ी में ना फास्ट ट्रैक नहीं लगा हुआ था,
तो हम कैश के लिए मतलब कि कैश दे रहे थे तो यहाँ पे टोल नाके पे रुके थे, सॉरी तो मैंने आपको बताया ना कि टोल नाके पे रुके थे तो कैश के लिए तो था नहीं कुछ भी सिस्टम, तो उन्होंने फास्ट ट्रैक लगाया, तो फास्ट ट्रैक के लिए बोल रहे कि 500 रुपये लेंगे, ठीक है, गाड़ी के ऊपर लगा हुआ था फास्ट ट्रैक लगा के, बोलते हैं हम आपसे ना 500 रुपये लेंगे, ठीक है 500 रुपये का है, 100 रुपये वो लेते हैं जो भी आपको पता ही है, ठीक है, और कह रहे कि 200 रुपये आपको जो है वो मिल जाएंगे, मतलब कि आपको ऐसे शो हो जाएंगे, ठीक है, और 200 रुपये शो नहीं होंगे। अब ये समझ नहीं आ रहा, पहले कह रहा 400 आएंगे, फिर कह रहा 200 आपको दिखेंगे, इमरजेंसी 200, फिर कह रहा कि क्या नाम है आपको 200 रुपये मिलेंगे, मैसेज आपको आ रहा कि क्या नाम है आपको 200 रुपये आपको ये मतलब कि आए हैं, 200 रुपये का रिचार्ज हुआ है, ठीक है, लेकिन वो कह रहे कि भाई 400 का हुआ है, कह रहा 200 रुपये इमरजेंसी, अब देखते हैं क्या चक्कर है क्या नहीं, फिर देखते हैं अभी कुछ खाते पीते हैं, अगर कहीं रुकते हैं क्या खाएंगे क्या नहीं देखते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब हम जो जा रहे हैं ना वो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं राजस्थान, जो मैंने आपको बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं राजस्थान, ठीक है, तो थोड़ा बैठ बूट जाए कार में, क्या है कि ना थोड़ा अकड़ वकड़ से जाते हैं। चलो गाड़ी अपनी हो गई स्टार्ट, फिर निकलते हैं, आगे की जर्नी आपसे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, बस 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 बस। भाई अभी सोचा कि थोड़ा पोल्यूशन भी करा ले गाड़ी का, यहाँ पे क्या रहा ऑल ओवर इंडिया चलेगा, पता नहीं कैसा पोल्यूशन दे रहा है, बना के 150 रुपये ले रहा है उसके, दिल्ली में तो अपने 70 रुपये लेते हैं, 70-80 रुपये जाते रहते हैं, यहाँ पे 150 रुपये लेते हैं, बाकी देखते हैं कार्ड वाडा तो ले लिया, गाड़ी जो पेपर था ना वो पूरे ओके रहने चाहिए एकदम, तभी मजा उसमें है ना, काम है अप्रूव अभी है तुझे करिएगा। भाई अभी एक ढाबे पे रुके थे तो अपना हम घर से खाने पीने के लिए आए हैं, ढाबे पे कौन खाए यार, अपना घर की जो चीज़ें हैं उसको खाना चाहिए, पहले देखते हैं, ये हैं आलू, रोटी घर से बनाए हुए, एक बोलते ना अलग से स्वाद उसको, अचार कहाँ है, अचार लो आपने खा लो, आम का अचार, चम्मच रोटी, इसमें क्या चीज़ें, ये भी अचार है, इतनी सारी अचार ही अचार है, क्या चक्कर है, चलो ठीक है पहले खाते हैं फिर चीजें दिखाते हैं भाई, ये ढाबा तो आगे चल के ना आपको चीज से दिखाता हूँ, थोड़ा गांव पूरा एरिया नहीं होता, हम समझ लो कि गांव आए हैं, वो देखो क्या बना है सब साहेब, छोटे छोटे स्टैचू देख लो पोज करके एकदम, ये है कुछ इस तरीके का गांव, नहीं होता पूरा गांव, पूरा प्योर गांव, ये वो जो प्लास्टिक बोतलें इकट्ठे करते हैं वो चीज़ कट्टों में नहीं होते जो प्लास्टिक इकट्ठे करते हैं ये, और ये पता नहीं क्या चीज़ है, याद नहीं आ रहा, पहले याद थी मेरे को, आप वो मत समझना जो भुट्टे होते ना छल्ली, ये वो चीज़ नहीं है, ये अलग ही चीज़ है, जो खेती वेती करते ना उनको पता ही होगा क्या चीज़ है, ये देख लो आप, मुझे तो पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है, ठीक है जी, अपना ये एक छोटा सा घर है ऐसा होता नहीं जो अपना छप्पर वाला जो छोटा सा होता है बिल्कुल वैसा घर, ये वॉशरूम है शायद, ये वॉशरूम है छोटा सा, भाई साहब क्या खा रहे हो, मूंगफली 100 रुपए किलो ले दी, महंगे लिए यार, ये देखो ना दाने भी इतने सही है इसके, ये देखो दाने दाने के लिए खाने वाले का नाम
रास्ते में और गांव वाले रास्ते में सॉरी, और ये अपना फाटक आ गया रेलवे फाटक। प्योर गाय, नॉट फॉर प्योर गाय, प्योर गाय गांव बोल रहा था ना, गाय निकला मुझसे गाय देख रहा था। हाँ कह रहा प्योर गाय। कितने सारे मोर नहीं है, मोर नहीं है, नहीं रहने भाई देख मोर भी है, मोर नहीं है भाई। ये बाहर है लेडीज बाथरूम, ये जेंट्स बाथरूम। अब हम आए अपने गांव में, मैं बताऊंगा आपको क्यों आए यहां पे, भी रीज़न दूंगा। ये पीछे आप मेरे देख रहे हो गुरुद्वारा होगा, श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा, गुरु तेग बहादुर नगरी बड़ी, सन 1300 मई 2018 में, ठीक है जी। ये गुरुद्वारा है, अभी बना था, निशान साहब लगा है यहाँ पे। क्या टोटल ना घर इतने है ही नहीं यहाँ पे, समझ लो आप ऐसे कि 10-12 घर हैं पूरे टोटल, ऐसा गांव है, ठीक है। तो ये है कुछ इस तरीके का नज़ारा, आप पीछे से देख सकते हो मेरे, या मैं दिखाई देता हूँ। ये अपना नीम का पेड़, भाई सो रहा है इधर, अभी पहुँचे हैं जश्न। ये गुरुद्वारे की तरफ से ना स्टोर रूम है, ठीक है जी। और यहाँ पे लोग ही नहीं है यहाँ पे, मतलब पानी वानी है नहीं, कुछ हल्का भी नहीं है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ कहीं है, कहीं के नहीं है। ये पानी की टंकी है, वो भी काफ़ी ओल्ड है, मतलब बहुत पुरानी है। यहाँ पे क्या है ना, जनवरी में ना मेला लगता है इधर, तो समागम कीर्तन होता है, लोग आते हैं। और ये पीछे मेरे देख रहे हो आप पहाड़, वो पीछे ऊपर मैं आपको अभी बता, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्या रीज़न क्या है। तो अभी थोड़ा देखते हम, पहले कुछ बातचीत हो जाए, डिस्कस होने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ करनी है क्या नहीं। जब तक आप करो इंजॉय, ठीक है जी। इस प्रकार है कुछ, घर सारे ही बंद है जितने भी घर हैं।
तो कैसे हो सारे? सुबह के बज चुके हैं, सुबह के नहीं सॉरी दोपहर के बज चुके हैं 4, घड़ी में आप देख सकते हो 4 बज रहे होंगे, 4 बज रहे हैं दोपहर के। तो अभी क्या है कि ना यहाँ पे घर वगैरह है नहीं, किसी से खाना थोड़ी मांगेंगे, और ना मंडी वगैरह जो है ना जैसे सब्जी मंडी या फिर कुछ खाने पीने के लिए, तो वो जो है दूर है काफ़ी। यहाँ से गाड़ी लेके जाएं फिर आएं, फिर यहाँ पे ना टोल वो होते हैं, बार बार टोल देना पड़ेगा। तो हम क्या है कि ना अभी भाई ने मेरे को एक तरीका बताया, मैं ना वो लेके आया था बर्गर का पैकेट होता है ना बर्गर, जो हम बर्गर खाते हैं ये उसका पैकेट है। तो भाई ने बताया कि इसको खोल के ना बीच में से, तो इसके बीच में हम पुलाव भी लेके आए थे बना के, वह इसको पुलाव को ना इसके बीच में भर के फिर खा ले। तो अब तो यही खाना पड़ेगा। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है, क्यों क्या रीज़न है कि हम यहाँ पे आए हैं। हम इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि जो मेरे पापा जी है ना, ये उनकी जगह है, मतलब कि मेरे पापा की जो नानी है ये उनकी जगह, वो यहाँ पे पहले रहा करते थे जब वो पाकिस्तान का, और जब ये हुआ था ना 84 वाला जो, तब वो इधर आए थे सारे, जो देश का बंटवारा हुआ था ये, जब तब वो इधर रहते थे, राजस्थान आए थे पाकिस्तान लाहौर। ठीक है जी, तो मैं आपको एक बारी पूरा क्लियर कर देता हूँ कि कैसे क्या चक्कर है कि ये देख सकते हो आप, हमारा यहाँ पे हम आए हैं मकान बनवाने। ठीक है जी, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप सफ़ेदी वाला देख रहे हो निशान, ये एक कमरा है अंदर, यहाँ से चश्मा उतार देते, कुछ मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, अभी धूप लग रही थी तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सफ़ेदी वाला निशान दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे ये बने हुए पत्थरों वाले एक, तो ठीक है यहाँ से जाएगी दीवार, और ये एक बना हुआ है छोटा सा रूम सा, छोटा सा। तो हमने यहाँ पे आए हैं मकान बनवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हमेशा प्रोग्राम कीर्तन होता है, यहाँ पे समागम कीर्तन होता है, और जनवरी के लास्ट में होता है शायद 28, 29, 30, 31 ऐसे कुछ, इतनी तारीख को ये होता है हर बारी 31 में, सॉरी जनवरी में। ठीक है, तो इस प्रकार है कुछ। तो अब हम इसको बनवाने के लिए आए हैं, मैं एक बारी आपको दिखा देता हूँ, कांटे ना लगे, धीरे से जाता हूँ। कुछ दिख रहा होगा आपको कि नहीं दिख रहा? मेरे मुझे इतना लगता कि दिख रहा होगा। एक मिनट, ये एक छोटा सा रूम है अंदर से। तो इधर क्या है कि ना, इसको हम बनाएंगे स्टोर रूम। ठीक है जी, पूरी बात बूत हो गई है, मिस्त्री से तो बात हो गई है। ठीक है जी, और अभी पूरा फाइनल करना है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे बनेगा। ये जो आप पीछे लकीर देख रहे हैं ना, ये यहाँ से ऐसे एक दीवार आएगी। ठीक है जी, ठीक है, ऐसे सीधी एक दीवार आएगी यहाँ से, ऐसे समझ लो, फॉर एग्जांपल वहाँ से एक ऐसे सीधी लाइन आएगी, बाउंड्री। फिर ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, फिर ये सीध में जाएगा यहाँ पे, ये पेड़ को लेंगे हम अंदर करके। ठीक है जी, और ये जाएगा इस पेड़ तक, ये सामने जो पेड़ दिख रहा है ना, पेड़ का जो जड़ है ये वाला, आगे जाके दिखा देता हूँ, यहाँ पे सीधा ये जो पेड़ का तना सा दिख रहा है मोटा सा, एक बारी आगे जाके दिखाना पड़ेगा यार आपको, फिर समझोगे कैसे। ये मोटा सा तना दिख रहा है आपको ये वाला पेड़ का, तो यहाँ पे जो ऐसे सीधा करके ना एक ऐसे बाउंड्री आएगी। तो फिर क्या है कि मैं आपको पूरा बताता हूँ, जो बाउंड्री है ना, और जो ये दीवार देख रहे हो आप ये वाली, ये उसी मकान की है, साथ वाले की, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं। ये एक दीवार देख रहे हो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, ये उस उधर से दीवार से खींच के फिर ऐसे ये दीवार, ये थोड़े भी और ऊपर होगा, क्योंकि ना यहाँ पे देखो यहाँ से ऐसे यूँ ढलान जा रही है, दिख रहा है आपको, ऐसे ढलान जा रही है, ये ऊपर है काफ़ी। तो अभी मलवा भर के थोड़ा लेवल ऊपर करेंगे, छत ऊपर जाएगी थोड़ा, और जो ये है ना ये वाला पासा, मतलब इधर साइड से यहाँ पे बनेगी हमारी रसोई। ठीक है जी, वहाँ तक जो मैंने आपको पेड़ दिखाया था अभी, वहाँ तक बनेगी हमारी रसोई, वो जो पीछे मैंने आपको अभी दिखाया था वो वहाँ तक बनेगी हमारी रसोई। ठीक है जी, रसोई से फिर जो हमारी जो दीवार है ना वो सीधी सीधी आएगी, खा देता हूँ कैसे,
जो मैंने आपको भी बताया कि सीधी सीधी यहाँ से दीवार आएगी, फिर आप समझो कि ये पेड़ है ना, है ना, ये यहाँ आएगी बाउंड्री, यहाँ पे हमारी बाउंड्री आएगी, यहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। भाई आज हो गया अपना प्लान चेंज मकान बनाने का, ये नेक्स्ट डे अगला दिन है। कल मेरी वीडियो की बैटरी डाउन हो गई थी, सॉरी कैमरे की, तो और फिर खाना वाना खा लिया था रात को। यहाँ पे ना अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, समझ रहे हो। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप प्रोग्राम क्या था, कि पहले एक रसोई वहाँ तक बन रही थी ना, तो उसके बारे में भी बताऊँगा क्या चक्कर है। ये सफ़ेदी वाला है ना, यहाँ से तो दीवार आएगी यहाँ तक जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है जी। यहाँ से ऐसे सीधी सीधी बाउंड्री आएगी ऐसे। ये नीम का पेड़ देखा था ना आपने कल भी, तो थोड़ा इससे और आगे रहेगा, यहाँ से ऐसे लगाओ सीधी, ठीक है जी। यहाँ से इतना, यहाँ से, और फिर यहाँ से सीधे जा रहा हूँ मैं आपसे, देखो यहाँ से सीधे जा रहा हूँ यहाँ तक। जो ये पहले इस साइड हम वो वॉश क्या नाम है अपना किचन बना रहे थे ना, अब किचन इधर नहीं बनेगा, अब यहाँ से सीधे ऐसे बाउंड्री आएगी, ठीक है जी। और यहाँ पे बनेगा वॉशरूम, मतलब कि दो बनेंगे, इंग्लिश और हिंदी वाला, ठीक है जी। नहाने वाला इधर बनाएंगे और वो बाउंड्री के बाहर साइड रहेगा, और एक इधर रहेगा, ठीक है जी। इधर वॉशरूम, इधर पॉट बनाएंगे, लगाएंगे ये सारा कुछ इंग्लिश, ठीक है जी। और यहाँ से जो बाउंड्री होगी, यहाँ पर होगा अपना मेन गेट, ठीक है जी। यहाँ से मेन गेट रहेगा, और जहाँ पे मैं अभी खड़ा था ना, तो यहाँ से आप समझ रहे हो कि ऐसे सीधी दीवार जाएगी, ठीक है जी। यहाँ से सीधी दीवार जाएगी, और ये यहाँ से इस दीवार से लेके हमारा यहाँ से ऐसे बनेगा इस दीवार तक, ऐसे सीधा सीधा इस दीवार तक इतना पड़ेगा, बनेगा हमारा हॉल, ठीक है जी। ये खाली एक हो गया, ठीक है जी, हॉल हो गया खाली। और उसके पीछे जो मैंने आपको बताया था ना कल, एक छोटा क्या नाम है स्टोर रूम सा, वहाँ पे एक दरवाज़ा लग जाएगा, और एक यहाँ पे दरवाज़ा लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ से ऐसे करके देखो, यहाँ से ऐसे करके फिर ऐसे सीधा जाके फिर इस दीवार से, तो ये हमारा हॉल बन जाएगा, और इधर बन जाएगा हमारा किचन, ठीक है, इस दीवार से मिला हुआ ऐसे एल टाइप में। इधर हमारा किचन बन जाएगा, मतलब कि देखो आप, यहाँ से सीधी जगह इधर किचन, इससे लंबा हॉल, और उस साइड वॉशरूम बन जाएंगे दो, और यहाँ पे बड़ा गेट लग जाएगा। तो अभी बातचीत वगैरह हो गई है, ठीक है जी। अब निकल रहे हैं घर के लिए दिल्ली, तो यहाँ पे पेमेंट हो गई है, कितने का आएगा जब वो पूरा बन जाएगा फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रदर्स ने गाड़ी वाड़ी मोड़ लिया, अब हो रहा जाने का प्लान, ठीक है जी। चलो फिर ये वीडियो यहीं एंड करूँगा, फिर अगली बारी जब दोबारा आएंगे पेमेंट करने, न्यू व्यू रखने, तब हम स्टार्ट करेंगे। चलो जब तक प्ले